हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सांगला वैली के वो टॉप 5 बहुत ही खूबसूरत विलेज जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने बाइक ट्रिप के बारे में जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है अगर आप सांगला से चितकुल घूमने जाने का प्लान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग या बाइकिंग से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा सफर चंडीगढ़ से चितकुल। दोस्तों, हमने बाइक पे सांगला वैली जाने का प्लान किया। हमारे पास हीरो होंडा पैशन और रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड थी। हम चंडीगढ़ से 10 बजे निकलकर शाम 5 बजे रामपुर पहुंच गए जो कि चंडीगढ़ से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचकर होटल सतलुज व्यू में हमने एक रूम लिया जिसका प्राइस 500 रुपये पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम 8 बजे सांगला के लिए चल पड़े जो कि रामपुर से 95 किलोमीटर दूर है। लगभग 10:30 बजे हम करचम पहुंच गए। करचम से हमें राइट लेना होता है सांगला के लिए और यहां पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। सांगला से हमने सांगला कंडा जाने का प्लान किया जो कि यहां से 5 किलोमीटर दूर था। यहां जाने के लिए रोड कंडीशन बहुत खराब है। बाइक से यहां पहुंचने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप यहां जाने के लिए सांगला से 4x4 भी हायर कर सकते हैं। हम लगभग 6 बजे तक सांगला कंडा विलेज के पास पहुंच गए। आगे का रास्ता बहुत ही ख़राब था तो वहीं हमने एक अच्छी जगह देखकर टेंट लगा लिया। कंडा विलेज में आपको कोई होटल नहीं मिलेगा, यहां आपको अपना टेंट लगाना पड़ता है या फिर वापस सांगला जाकर आप रुक सकते हैं। यह जगह बहुत ही खूबसूरत और शांत थी। यहां से हमें किन्नर कैलाश का शानदार व्यू देखने को मिल रहा था। इस तरह से आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन का अंत हो गया। नेक्स्ट डे लगभग 10 मिनट का ट्रैक कर हम सांगला कंडा पहुंच गए। बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और यकीन मानिए यहां पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। यहां गलियों के चारों तरफ छोटी छोटी दीवारें बना रखी हैं और गलियों में ग्लेशियर से पिघल कर आने वाला पानी बहता रहता है जो कि इन रस्तों को और भी मनमोहक बना देता है। यहाँ आपको पत्थरों से बने हुए बहुत ही सुंदर घर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियाँ देख सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। कुछ दूर चलने पर आपको इस विलेज में एक बहुत ही फेमस लेक देखने को मिलेगी जिसे कंडा लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बैठकर कुछ समय नेचर के साथ बिताने का अपना एक अलग ही मजा है। अगर आपको शांत जगह पसंद है तो आपके लिए इससे बढ़िया जगह शायद ही कोई और हो। इसके बाद हमने अपना टेंट पैक किया और वापस सांगला चले गए। सांगला में हमने सबसे पहले लंच किया और उसके बाद कामरू विलेज जाने का प्लान बनाया। कामरू विलेज सांगला से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और यह कामरू फोर्ट के लिए बहुत फेमस है। यहां पहुंचने के लिए आपको लगभग 800 मीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कामरू फोर्ट बहुत ही शानदार है। यहां आपको सांगला वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। कामरू फोर्ट के अंदर कामाखाया देवी का मंदिर है। इस किले की तीसरी मंजिल पर देवी की मूर्ति रखी गई है। लोकल लोगों के अनुसार यह मूर्ति गुवाहाटी से लाई गई है।
कामरू फोर्ट सांगला जाने वाले टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप सांगला जा रहे हैं तो कामरू फोर्ट जाना ना भूलें। इसके बाद हमने चितकुल विलेज जाना था, जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर इंडिया का लास्ट विलेज है। दोस्तों, आप बसपा वैली को पूरे साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन मार्च से सितंबर बेस्ट टाइम है यहाँ विजिट करने का। दिसंबर से फेब तक यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। दोस्तों, विंटर में यहाँ आने से पहले यह जरूर पता कर लें कि रास्ते खुले हैं कि नहीं। कई बार अधिक स्नोफॉल की वजह से यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। सांगला से चितकुल जाते समय रास्ते में रक्षम विलेज आता है। यह छोटा सा गांव बसपा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। सर्दियों में यहां बहुत ठंड पड़ती है और लोकल लोग नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। अप्रैल में खेती करने यह लोग फिर वापस आ जाते हैं। सांगला से चितकुल 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में हमें लगभग एक घंटा लग गया। यह गांव 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चितकुल पहुँचकर हमने विलेज घूमा और लोकल लोगों से बातचीत की। यहाँ लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। इसके बाद हम टेंपल देखने गए। यह टेंपल बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ से स्नो माउंटेन का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। आप यहाँ होटल में रूम लेकर भी रुक सकते हैं। यहाँ आपको बढ़िया रूम 500 से 800 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन हम अपना टेंट लेके गए थे तो हमने बसपा रिवर के किनारे अपना टेंट लगाया। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो यह जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। खाने के लिए चितकुल में काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ हमने लोकल फूड में थुक्पा और मोमोज ट्राई किए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। दोस्तों, अगर आप दिसंबर से फेब में यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत कम होटल खुले होते हैं, लेकिन अगर आप शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चितकुल से सांगला की ओर चल पड़े। सांगला से 8 किलोमीटर पहले एक बहुत ही सुंदर गांव आता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ बत्सेरी विलेज की। यह गांव हाथ से बनी हुए शॉल और किनोरी टोपी के लिए पूरे हिमाचल में प्रसिद्ध है। अगर आप इस विलेज में आते हैं तो यहाँ से नट्स और चिलगोजे खरीदना ना भूलें, जो कि यहाँ उगाए जाते हैं। इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस टेंपल है। यहां दर्शन करने के बाद हम वापस सांगला की ओर चल पड़े। इस तरह हमारा यह सफर बहुत ही यादगार रहा। इस दौरान हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही खूबसूरत गांव देखे। सच में यह किसी शानदार सपने से कम नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे साथ और भी इंडिया के खूबसूरत विलेजेस को घूमना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रैवलिंग मेट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि आपको कौन सा विलेज सबसे ज़्यादा पसंद आया और कहाँ आप घूमना पसंद करेंगे।